लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके चलते सीओ सिटी आशुतोष तिवारी और सभी थानों के प्रभारियों के साथ में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया। इतना ही नहीं, जिन लोगों के लाइसेंस है, लाइसेंस धारकों के घर जा जाकर उनको आचार संहिता का पाठ पढ़ाते हुए जल्द से जल्द उनके लाइसेंस को जमा करने को कहा। आज जो है लाइसेंस आपके पास है ना बंदूक का? जी जी। अच्छा, उसको आज या कल में? जी जी, दो दिन में जमा कर दीजिए। जी जी। अच्छा, क्या मामला है? लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। माननीय चुनाव आयोग के निर्देशों का पूर्णतः पालन कराने के लिए हम लोगों ने फ्लैग मार्च किया है। जो भी आपराधिक तत्व हैं चिन्हित करके उनको हम ये क्लियर कर संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर वो इन चुनावों को किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो उनके विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। किन किन जगहों पर को भी कुछ निर्देश दिए गए क्या? जी, आचार संहिता के दौरान जो भी लाइसेंस धारक हैं उनको चुनाव आयोग का निर्देश है कि उनको अपने असलहे जमा करा दें। तो जो जिन लोगों के पास भी अपने लाइसेंस है, हम उन्हें ये बता रहे हैं कि वो अपने लाइसेंस जितना जल्दी हो सके जमा करा लें, अन्यथा पुलिस अपनी कार्रवाई जो है अमल में लाएगी। सर, किन किन जगहों पर फ्लैग मार्च किया गया है? अभी जितने भी वल्नरेबल और क्रिटिकल बूथ हैं हम प्रायोरिटी फोन पे कर रहे हैं, और जितने भी आपराधिक तत्व हैं जिन गाँव में उन पर कार्रवाई के लिए हम अपना जो चार्ट है बना के उस पर कार्रवाई कर रहे हैं।